भाग दोराहा में पदस्थ लाइनमैन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। धर्मेंद्र प्रजापति छोटा बाजार दोराहा निवासी ने जानकारी देते बताया है कि वह लाइनमैन के पद पर विद्युत विभाग दोराहा में पदस्थ है। दो नंबर को जेई के आदेश से लाइनमैन दिलीप दांगी के यहां पर बिजली का बिल अत्यधिक बकाया होने तथा बार बार सूचना देने के उपरांत भी बिल जमा नहीं कर पाने के कारण विद्युत विभाग के जेई ने लाइनमैन धर्मेंद्र प्रजापति को बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दिए थे। लाइनमैन दिलीप दांगी के घर की बिजली कनेक्शन पोल से काट कर अपनी मोटरसाइकिल से वापस आ रहे थे, तभी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने उनकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया। तभी इतने में पीछे से दिलीप दांगी डंडा लेकर आए और लाइनमैन की गर्दन में मार दिया और लाइनमैन के साथ झूम गए। साथ ही में इसमें लाइनमैन की शर्ट भी फट गई एवं गंदी गंदी गालियां लाइनमैन को दी गई। जब लाइनमैन ने इसका विरोध किया तो कहा कि जे साहब से बात कर लो, मैं आपकी लाइट जोड़ दूंगा। मुझे साहब ने लाइट काटने के आदेश दिए हैं, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति नहीं माना और इससे नाराज लाइनमैन ने दोराहा थाना पहुंचकर दिलीप दांगी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्यवाही की मांग कर रहा है। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रजापति है, मैं दोराहा में लाइनमैन के पद पर पदस्थ हूँ। मुझे द्वारा जेई साहब द्वारा कनेक्शन काटने के लिए लिस्ट दी गई थी, जिसे मुझे शाम को काट कर कार्यालय में जमा करना था। उसमें एक दिलीप सिंह दांगी का कनेक्शन था, जिस पर 7,441 रुपये बकाया था। उसे मैंने काट कर लाइन पोल से काट दी थी, जिसके बाद में दिलीप सिंह दांगी ने गुस्से में मुझे रास्ते में रोक कर मुझे डंडे से मारा और मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे थपाड़े भी मारे। उसके बाद में मैंने थाने में जाकर FIR दर्ज कराई। अब पुलिस वालों ने मुझे TI साहब द्वारा एक्शन लेने का आश्वासन दिया गया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए दोराहा से वसीम खान की रिपोर्ट।